हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रार। आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और टीआर कैमरा का एक नया वर्जन आया है, टीआर कैमरा वर्जन 4, जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ मेरे MI A2 डिवाइस के अंदर। टीआर कैमरा का जो वर्जन है दोस्तों, GCam 7200.10 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। और स्नैपकैम इसका नाम है। और इस वर्जन के अंदर नया क्या ऐड हुआ है, कैटलॉग जो हमें मिला है दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे दोस्तों। ये सारे फीचर वर्जन 4 के अंदर ऐड किया गया है। सो यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, MI A2 डिवाइस के अंदर मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट डाउनलोडिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा 2 पे एनेबल होना चाहिए और एंड्रॉइड 9 पाई और एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट होना चाहिए। HDR प्लस HDR इनर सपोर्ट मिल जाती है। रिसेंटली दोस्तों मैंने वर्जन 3 का भी रिव्यू किया था, अगर आप उससे चेकआउट कर लेते हो तो इस वर्जन के अंदर ज्यादा कुछ अभी फिलहाल नहीं है। HDR प्लस HDR इनर सपोर्ट दोस्तों, जो जो फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है दोस्तों, एक्चुअली मेनली जो यूजर इंटरफेस है उसके रिलेटेड नहीं है दोस्तों, जो एक्चुअल AI है उसके रिलेटेड है। सो ज्यादा कुछ ह्यूज चेंजेस आपको वर्जन 3 से वर्जन 4 के अंदर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दोस्तों अलग अलग चार ऑप्शन दिखाई देता है, गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस के लिए, सैब्रा के लिए, ऑटो वाइडनेस के लिए, और ये क्या है भाई साहब, कौन जाने। एनीवे सो यहाँ पर आप इसे भी मैनुअल सेटिंग्स के लिए शायद होगा। और यहाँ पर मल्टीपल कैमरा भी सपोर्ट करता है, पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। HDR प्लस HDR इनहांस मोड पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी मिलती है। जो नाइट साइट फीचर है, नाइट साइट फीचर के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर डेडिकेटेड एस्टो फोटोग्राफी मोड भी मिल जाती है, एज वेल आप लाइट पेंटिंग मोड को भी यूज कर पाओगे दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 30 FPS 60 FPS ऑटो मोड मिलती है मोड के अंदर। पैरानोमा स्लो मोशन टाइमलेस मिलती है। जो स्लो मोशन फीचर है दोस्तों, वो भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, क्योंकि दोस्तों जो टीआर कैमरा है बहुत ही स्टेबल है, GCam का बाप है, इसलिए सभी ऑप्शन काम करती है, सभी के सभी। सो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ टीआर कैमरा की, हर एक वर्जन की। तो अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर GCam का जो प्लेलिस्ट है उसमें ऊपर जाओ और वहां पर आपको चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर सेटिंग्स की, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली वर्जन 3 अभी अभी आया है, उसके बाद वर्जन 4 आ गया है, तो ह्यूज कुछ चेंज नहीं है। क्या क्या सेटिंग्स आपको मिलता है डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर आपको मैं बता दे रहा हूं। अब यहां से डार्क मोड को, नाइट हंटिंग मोड को, यहां पर जो मूवमेंट उसे हाइड कर सकते हो, स्मार्ट ब्लास्ट मोड मिल जाती है, और यहां पर मीडिया, सोशल शेयर, गेस्टर्स मिल जाती है। उसके बाद और अगर बात करूँ सेटिंग्स की, तो यहाँ पर कलर सेटिंग्स कुछ आपको यहाँ पर इस तरह से मिलती है। सैचुरेशन के लिए अलग से आपको सेटिंग्स मिलती है, वाइड एंगल, फ्रंट कैमरा, टेलीफोटो लेंस के लिए आपको यहाँ पर लिप पैचर मिल जाती है, जिसके साथ आपका जो ओवरऑल फोटो की क्वालिटी है उसे इंक्रीज कर सकते हो। HDR कंट्रोल, यहाँ पर फ्रेम हिंटिंग, सेफ सेल्फी, सेस प्रीव्यू, एस्ट्रो फोटोग्राफिक का जो अलग से बटन मिलता है, लाइट पेंटिंग मोड के लिए बटन मिल जाती है, एक्सपोजर के लिए बटन मिलती है, फोकस ट्रैकिंग के लिए बटन मिलती है। एडवांस की अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप जो मैक्सिमम जूम आप 50x तक कर सकते हो, तो 50x का जूम ये सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर मल्टीपल कैमरा का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ अलग सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पर एंटी वेंडिंग मोड है, 4K टाइम लैप्स, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर लेता है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ सब कॉन्फिग को भी अप्लाई कर सकते हो, कॉन्फिग का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो क्योंकि दोस्तों मैं टीआर कैमरा का बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, ऑलमोस्ट बहुत सारी, और जो वर्जन 3 आया था और वर्जन 4 के अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। सो इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो के दौरान कैमरा सैंपल नहीं दिखा रहा हूँ, पर जो टीआर कैमरा का वर्जन 5 आएगा उसके अंदर मैं कैमरा सैंपल दिखाऊंगा। और अगर आप कैमरा सैंपल देखना चाहते हो दोस्तों वर्जन 3 का, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वर्जन 3 का कैमरा सैंपल के अंदर में जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वर्जन 4 के अंदर ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। जो टीआर कैमरा दोस्तों बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ पिक्चर को नहीं क्लिक करता है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको लिप पिक्चर को एनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो कैमरा है बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ पिक्चर को क्लिक करेगा, ठीक है। तो टीआर कैमरा है दोस्तों ये मेनली दोस्तों बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए है, पर अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग चाहता है दोस्तों तो आपको GCam 7200 को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टीआर कैमरा बहुत मक्खन की तरह काम करता है, आप जरूर से इसे यूज कर सकते हो। एनीवे एक वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना। अगर कैमरा सैंपल नहीं दे पाया हूं इसलिए सो सॉरी, क्योंकि घर पे हूं, बाहर नहीं जा सकता, आपको मालूम ही होगा, इसलिए आई एम सो सॉरी। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।